नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कोरोना के मामले 50 के लगभग आने लगे हैं, जिससे कि संक्रमण की कम होने के संकेत भी अब दिखाई देने लगे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने दिए जा रहे छूट में ज्यादा विस्तार किया है, जिसमें सबसे ज्यादा राहत छात्रों को मिली है, क्योंकि हाल ही में आयोजित हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बिहार सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल यानी कि कक्षा 9वीं 10वीं को 7 तारीख से और 1 से लेकर 8वीं तक के क्लास को 16 तारीख से खोलने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब बिहार के सभी स्कूल में छात्रों की किलकारी एक बार फिर से सुनाई देने वाली है। चूंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ना ही बिहार कोरोना मुक्त राज्य घोषित हुआ है, ऐसे में स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। जारी किए गए गाइडलाइन के अनुरूप ही स्कूल का संचालन करना होगा, जिसके तहत अब स्कूल में किसी भी दिन स्कूल प्रशासन को छात्रों की 50% मौजूदगी ही सुनिश्चित करनी होगी। यानी कि दिन चाहे कोई भी हो, 50% क्षमता के साथ छात्र स्कूल आएंगे, इससे ज्यादा स्कूल नहीं आ सकेंगे। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला पदाधिकारी के लिए निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने बंद स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग संस्थान को खोलने के लिए SOP जारी किया है। SOP के तहत ही सावधानी के साथ स्कूलों का संचालन करना होगा। उच्च शिक्षण संस्थान, स्कूल और कोचिंग संस्थान में उस संस्थान के प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने टीका ले लिया हो, क्योंकि सिर्फ ऐसे लोगों को स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने टीकाकरण करवा लिया हो। बगैर टीका लिए हुए कोई भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी स्कूल नहीं जाएंगे। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी कक्षाओं को पूरी तरह से सैनिटाइज करने की व्यवस्था रखनी होगी, जिसके तहत हैंड सैनिटाइजर, मास्क और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था स्कूल प्रबंधन को करनी होगी। यानी कि अब किसी भी दिन स्कूल के किसी भी कक्षा में बच्चों की उपस्थिति 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर क्लास में विद्यार्थियों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति ही होनी चाहिए। इसके साथ ही जिन स्कूलों में ज्यादा बच्चे नामांकित है, उन्हें 2 पाली में संचालित करने का निर्देश जारी किया गया है। हर छात्र एक दिन बीच करके स्कूल या कोचिंग जा सकेंगे। जहां तक संभव हो, शैक्षणिक संस्थान और स्कूल ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाई जारी रखेंगे। विद्यार्थियों को घर से ही पका पकाया खाना लाने को कहा जाएगा। इसके साथ ही बच्चे अपना भोजन साझा नहीं कर सकेंगे। स्कूल के अंदर खाद्य सामग्री बेचने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल की कक्षाओं में 2 बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी के साथ साथ किसी भी ऐसे आयोजन से बचने की सलाह दी गई है जिसमें सामाजिक दूरी का पालन न होता हो। स्कूल बस को भी अच्छी तरीके से सैनिटाइज करने और स्कूल के सभी स्टाफ के बीच मास्क और अन्य जरूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के मुताबिक सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में मिड डे मील फिलहाल बंद रहेगा। ज्ञात हो, भले ही कोरोना के मामलों में बिहार में कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने संभावित तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे में अब बिहार सरकार की यही कोशिश है कि कोरोना के मामलों में भी कोई बढ़ोतरी ना हो और सारी व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।